हेलो दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों यहां पे 13% के आसपास का रैली देखने को मिला था। और दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में बीएसएस सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जोरदार तरीके से मैं रैली देखने को मिला। बीएसएस सेंसेक्स की बात करें तो 1000 पॉइंट से अबव का मैं रैली का फिगर देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे रैली शो किया है। हालांकि दोस्तों ऑल टाइम से इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अभी तक हमें करेक्शन देखने को मिला, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स ने जोरदार तरीके से रैली शो किया, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे रैली शो किया है। हालांकि दोस्तों यहाँ से इसका प्राइस हमें आगे देखने को मिल सकता है अगर सेंसेक्स निफ्टी 50 में जोरदार तरीके से हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 में हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत हमें और करेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। अगर बात करें पिछली 1 मंथ के इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे इनके 15% के आसपास का गिरावट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में 60% का हमें यहाँ पे करेक्शन का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 53% से एबव का गिरावट शो किया है, जो कि पिछले 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 330% के आसपास का अभी भी हमें इस स्टॉक में मुनाफा का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक हमें यहाँ पे यानी कि 2021 में लिस्टेड हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों वहां से अभी तक यहां पे देख सकते हो एक तरफा में रैली देखने को मिल रहा था, लेकिन यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो 50% से एबव का हमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों स्टॉक फ्यूचर के लिए हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में यहां से थोड़ा बहुत और हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 8 रुपए 60 पैसे के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर के लिए स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से राज नंदनी मेटल लिमिटेड की रिगार्डिंग स्टॉक, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि बात करेंगे इसका पीपीटी की हाई का, तो स्टॉक प्राइस 30 रुपये क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला, जो कि इसका पीपीटी लो इसका 9.5 रुपये के आसपास का प्राइस है, जो कि स्टॉक पीसीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 23 के आसपास का है, जो कि दोस्तों इंडस्ट्री के पीसीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देख तो 30 के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इसका प्राइस है फिलहाल हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 41% का यहाँ पे फिगर है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 से एबव का फिगर है। और दोस्तों बात करेंगे फेस वैल्यू का इसका, तो यहाँ पे हमें 1 रुपये का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 73% से एबव का होल्डिंग है। और दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे ईपीएस का, तो इसका ईपीएस 0.49 है। जो कि बात करेंगे डेप्ट का, तो यहाँ पे 51 करोड़ से एबव का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.48 का फिगर है, जो कि दोस्तों फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 करोड़ का यहाँ पे हमें नेगेटिव फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका क्वार्टरली हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टरली सेल्स का फिगर, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का सेल्स का फिगर अच्छा खासा हमें फिगर देखने को मिला अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली 2% से एबव का फिगर है। जो कि दोस्तों हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी यहाँ पे 3.5 करोड़ के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसका ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर का सेल्स का फिगर अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो एवरी ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2% के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे इस साल का नेट प्रॉफिट का फिगर स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।
तो स्टॉक स्मॉल कैप से बिलोंग करता है जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की है, अदरवाइज इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे रिजर्व सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख दो 7 करोड़ के आसपास का रिजर्व सरप्लस का फिगर है जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। ब्रोइंग्स की बात करेंगे तो 51 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि दोस्तों फिक्स एसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो फिक्स एसेट का फिगर स्ट्रॉन्ग तरीके से एवरी ईयर का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर बात करें प्रमोटर का, तो यहाँ पे 73% से एबव का होल्डिंग है, जो कि दोस्तों रिटेल्स एंड अदर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 27% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0.04% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में अगर गिरावट हमें देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 8.60 रुपया के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 20 रुपये के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि स्टॉक स्मॉल कैप से बिलोंग करता है जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी का फिगर देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बाय।